कि भी अखबार में बयान छपा है मौजूदा हमारी विधायिका जी का विकास की बहुत गंगा बहाते हुए, उससे कितना आप मुत्तफिक हैं? अच्छा, यहीं आ जाइए, इनसे पूछ लीजिए कि विधायिका जी ने इस गांव में एक को कोई काम की है? नहीं, आप बताइए। कहीं ना अभी प्रधान जी जनता गण कभी नहीं आए। मैडम जी तो मैडम है ना। तो उनका जो अखबार में विज्ञापन छपा है काम का, उसे कहाँ तक आप समझते हैं उनको? अच्छा, मैं आप ही से पूछ रहा है, अच्छा दिन आ गया मोदी जी का? अच्छा दिन तो नहीं आया, लेकिन कृष्ण भूमि जल्दी बनने वाली है। बुरा दिन आ गया ना, कृष्ण भूमि का आजाद होने वाला है, इसकी बात देखिए। यही इनके पास एजेंडा है, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इनके पास नौजवान, किसान, गांव, गरीब कोई नहीं है। अच्छा, गैस कितना महंगा हो गया आप बताइए? बहुत महंगा हो गया, डबल हो गया। डबल कैसे हो गया? डबल से बड़ा 250 गुना बड़ा हो गया। 100 का 200 हो गया तो दूना हो गया जी। तो कितना बढ़ गया महंगाई? 100 गुना बढ़ गया। आप जरा जोड़िए कि इनके राज में ना गैस सस्ता हुआ, ना मसाला सस्ता हुआ, ना सब्जी सस्ता हुआ, ना चावल सस्ता हुआ, ना दाल। 5 किलो देकर कह रहे हैं कि हमको एक महीना आप इधर देखते रहिए। उसके बाद सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, गैस चाहिए, मसाला चाहिए, साड़ी चाहिए, पेटीकोट चाहिए, ब्लाउज चाहिए, धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए। ये पापी पेट के लिए और कुछ चाहिए कि खाली 5 किलो राशन चाहिए? तो ये सरकार, अब मैडम जी क्या कहती हैं? मैडम जी का सबसे अच्छा जवाब मन्नू सिंह देते हैं। अच्छा, उनकी स्टैंडर्ड की मानक की है, विधायक हो गई अलग बात है, लेकिन वो अच्छा जवाब देते हैं। जी बताइए आप कि इस वक्त में जो हालात हैं, कैसे मुकाबला करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? क्योंकि भाजपा के पास इतनी हिंदू संगठने हैं और आपके पास सिर्फ एक समाजवादी संगठन है, कैसे मुकाबला करेंगे? जानकारी नहीं है तो समाजवादी पार्टी के पास कम से कम यूथ विंग, किसान, शिक्षक, छात्र, नौजवान, लोहिया बहनी, इतनी बड़ी संगठनों की पूरे देश प्रदेश स्तर पर हमारे पास फौज है। और सत्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी, जिसके पास लोहिया का विचार हो, मुलायम सिंह का संघर्ष का इतिहास हो, अखिलेश जैसी दूरदृष्टि हो और समाजवादी कतार हो, जिसके पूर्वज लोहिया रहे हो, जनेश्वर मिश्रा रहे हो, आराम अनंत तिवारी रहे हो और ब्रजभूषण तिवारी रहे हो और भी जो हमारे देश के बड़े नेता थे, सब समाजवादी चिंतक, और नरेंद्र देव साहब, जयप्रकाश जी, ये जो देश की आजादी की लड़ाई के शानदार नेता थे। तो फौज की कमी नहीं है, भाजपा से हम लोग ठीक से लड़ेंगे। और देखिए, ये समाजवादी पार्टी की खूबत थी कि आज उत्तर प्रदेश में अकेले भाजपा के रथ को रोकने का नहीं बल्कि उनको नाश करने का, क्योंकि 22 में हम जीतेंगे तो 24 उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की रानी का दिल है। जब दिल टूट जाएगा इनका तो हम 24 में इनका दिल्ली भी खत्म कर देंगे। आपका मुकाबला किससे होगा? दुनिया जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, तो जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है तो फिर इसमें पूछने की क्या जरूरत है? इसमें दूसरा दल कोई कोई लड़ाई में नहीं है। और जो भी है वो तो भाजपा चाह रही है कि ट्रेंगुलर हो। भाजपा का मकसद है कि ट्रेंगुलर होगा तो हमारा फायदा होगा, और जब आमने सामने होगा तो ये कहीं नहीं रहेंगे। देखिए, बिहार का चुनाव में यदि ट्रेंगुलर नहीं होता, कहीं जनशक्ति पार्टी आ गई, कहीं ओवैसी साहब आ गए, कोई कहीं आ गया, इसलिए बिहार में लालू जी की सरकार बनते बनते रह गई। यहाँ पर ये स्थिति नहीं है, यहाँ एकदम जनता भी मन बना ली है कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है, इसलिए जनता कंफ्यूजन में नहीं है। इस ठंडक में,
किसी को भी ना कहे इतने लोग आ जा रहे हैं और मैं ना प्रचार कर रहा हूँ ना प्रसार कर रहा हूँ, ना गाड़ी है ना घोड़ा है, मैं खाली एक आदमी के दरवाजा करने आया। देखिए हमारे साथ एक विकलांग बेचारा जिसकी खैनी है सुरती बेच कर दिन चलाता हो, वो भी आदमी बिना जाने आकर खड़ा है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की महंगाई, कड़ुआ तेल 200 के पार, डीजल पेट्रोल 100 के पार, मसाला महंगा, दाल थाली से गायब हो गया, सब्जी महंगी, इनके सरकार में शिक्षा महंगा, फीस बढ़ गई, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो इनके सरकार में सस्ता हुआ हो। और तो और जो कहे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, 16,000 करोड़ में 2 जहाज मंगाए, आप पता कर लीजिए, और 18,000 करोड़ में पूरा इंडियन एयरलाइंस को बेच दिए, तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप ट्रेन बेच दिए, रेल बेच दिए, आप सेना की जमीन हटा रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, आप रेलवे की जमीन लीज पर दे रहे हैं, यही नहीं, आपसे जो बन सक रहा है, आपका बीपीएल, आईओसी, भारत पेट्रोलियम, जितनी जो संपन्न है, बीएसएनएल जहां 1.5 लाख करोड़ का बजट है, सर्वे हुआ है, उसको 20,000 करोड़ में आप बेचने जा रहे हैं। तो ये तो चाय बेचने की बात करते थे, चाय बेचते तो कोई नहीं देखा, लेकिन देश बेचते देश का बच्चा बच्चा देख लिया। तो मैं कह सकता हूँ ये नकली लोग हैं, नौटंकीबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनको किसान से, नौजवान से और गांव से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब है। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका ले लिए, लेकिन विकास 2 ही लोग का हुआ। इस कोरोना में केवल 2 लोग का ही देश से फायदा हुआ, एक अदानी का, एक अंबानी का। तो आप कह सकते हैं ये पैसे के बल पर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जनता के बल पर लड़ना चाह रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इसी तरह घमंड था कि हम पैसे के बल पर सरकार बना लेंगे, लेकिन जब देश का किसान, देश का नौजवान और देश का गरीब जगा, तो पैसा उनका धरा के धरा रह गया और जनता पार्टी की सरकार बनी। 89 में भी यही हुआ, और फिर मैं कह रहा हूँ 7-7.5 साल से मोदी जी झूठ बोलने का एक खूबसूरत मशीन बनाया है, और जो मना रहा है सो झूठ बोल रहा है। अभी तक एक बार अखिलेश जी आए और पूर्वांचल का दौरा किए, तब तक ये 6 दौरा कर लिए, तो आप सोच सकते हैं कि इनको कहीं डर है तो केवल समाजवादी पार्टी। 100 रुपये का कुत्ता का सुई नहीं मंगवा सकती है, पेट पर तो 100 बेड के अस्पताल की बात करते हैं। तो मैडम जी तो हवा हवा में आई है, हवा में चली जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।